Hey, hello everyone, welcome back to Student Yard. मेरा नाम है अर्पित, मैं हूँ एक टीचर एंड एक यूट्यूबर. एंड गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं एक मेगा कंपैरिजन बिटवीन मैकेनिकल पेंसिल्स का. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारी पेंसिल्स अवेलेबल हैं. इन पेंसिल्स का जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ से लेकर 60 रुपीज़ तक जाता है ना. तो एडवांटेज क्या होता है इन मैकेनिकल पेंसिल्स का, वो जो वुडन पेंसिल आते हैं उनके ऊपर, तो गाइस इनको ना आपको शार्प नहीं करना होता. इनके अंदर यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है जिससे आप इसको प्रेस करते जाइए, लीड बाहर निकलती जाती है एंड आप कंटिन्यूसली लिख सकते हैं बिना शार्प करे गाइस, है ना. तो यहाँ पे आज जो पेंसिल्स देख रहे हैं, ये जो हमारे पास पेंसिल्स है काफी सारे ब्रांड्स में अवेलेबल हैं गाइस, बट ये वाला जो वीडियो फोकस है गाइस, ये हम फोकस रखेंगे नोट टेकिंग पे. अगर आप एक प्रोफेशनल हैं या अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि एक सिंपल अपनी जो वुडन पेंसिल है उसको रिप्लेस करना चाहते हैं मैकेनिकल पेंसिल से, एंड आपका जो मेन काम है वो नोट टेकिंग है, अंडरलाइन करना वगैरह है, जो नॉर्मल राइटिंग वर्क है अगर आप वो करना चाहते हैं, तो ये पेंसिल्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी गाइस. कुछ इसमें मैकेनिकल पेंसिल प्रीमियम ब्रांड्स में भी आती है जिनका प्राइस 500, 600, 700 up to 1000 भी जाता है इनका प्राइस, है ना. लेकिन गाइस, वो जो मैकेनिकल पेंसिल्स होती हैं वो स्पेशली ड्राफ्टिंग के लिए, स्केचिंग के लिए, ऐसे कामों में यूज होती हैं. तो ये जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये हमारा मेन यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपकी नोट टेकिंग के लिए और जो ट्रेडिशनल पेंसिल के यूजेस होते हैं, जर्नल यूजेस फॉर राइटिंग वर्क, उनके लिए गाइस, है ना. तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, हमारे पास इतने सारे पेंसिल्स हैं, अब सवाल उठता है कि कौन सा बेस्ट है हमारे लिए, कैसे पता चलेगा. तो ये जानने के लिए, ये जानना जरूरी है कि एक मैकेनिकल पेंसिल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. तो बेसिकली अगर आप पेंसिल को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए कौन सी पेंसिल बेस्ट रहेगी गाइस. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मैकेनिकल पेंसिल्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में. तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक पेंसिल आ गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक यूनिबॉल की मैकेनिकल पेंसिल है. तो गाइस, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं. यहाँ पे सबसे आप ऊपर जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्लिप, ठीक है. यहाँ पे आप जो टॉप सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जनरली एक रबर लगा रहता है इसके अंदर है, ठीक है. तो यहाँ पे रबर होल्डर रहता है, उसके ऊपर ये जो ऊपर की बॉडी है इसको बोला जाता है स्लीव, है ना. देन जैसे आप नीचे जाएंगे गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ होती है स्लीव के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर, जिसको बेसिकली बोला जाता है शाफ्ट. तो शाफ्ट से क्या होता है गाइस, जैसे ही आप इसको यहाँ से प्रेस करते हैं तो आपकी जो लीड है, बेसिकली इसमें अंदर लीड्स होती हैं, है ना, तो वो आपकी निकल के लीड बाहर आती है गाइस, ठीक है. लीड के नीचे आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सिस्टम लगा होता है जहाँ पे एक छोटा सा स्प्रिंग प्रेजेंट होता है. स्प्रिंग के अंदर आपका लगा होता है एक डिस्पेंसर. डिस्पेंसर क्या करता है, आपकी लीड को बाहर लाने में मदद करता है. देन आपकी लीड गाइस यहाँ से बाहर आ जाती है. तो बेसिकली ये होते हैं अलग अलग पार्ट्स एक मैकेनिकल पेंसिल के. अब क्या होता है गाइस, ये जो पेंसिल होती हैं ये अलग अलग साइजेस में आती हैं, मतलब बेसिकली साइज में फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इनके जो लीड साइज होते हैं वो अलग अलग होते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो लीड ट्यूब्स अवेलेबल हैं गाइस. तो यहाँ पे एक जो लीड ट्यूब है वो 0.7 mm की है, एक जो लीड ट्यूब है वो 0.5 mm की है. तो बेसिकली गाइस ऐसे अलग अलग ना आप बोल सकते हैं जो इसके लीड्स होते हैं वो मोटे पतले ऐसे आते आते हैं. तो जो जनरल लीड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं गाइस, वो कुछ इस टाइप से होते हैं. आपको मिल जाएगा 0.5 mm में, देन आपको मिल जाएगा गाइस 0.7 mm में, देन आपको ये मिल जाता है 0.9 mm में, देन 2 mm में, है ना, एंड बीच में 1 mm भी आ जाता है. तो बेसिकली गाइस ये कुछ जनरल मैंने आपको बताया जो लीड्स के डायामीटर होते हैं, है ना, जो ये जो लीड हम देख रहे हैं यहाँ पे इनके डायामीटर होते हैं. अब सवाल उठता है कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा. तो गाइस, जितनी पतली आप लीड लेंगे उतने ज़्यादा उसके टूटने के चांसेस होते हैं. एंड जनरली अगर आप एक स्कूल के स्टूडेंट, अगर आप 3rd, 4th या 10th तक क्लास में पढ़ते हैं, तो जनरली क्या हम ज़्यादा प्रेशर लगा देते कई बार एंड ना वो निप टूट जाती है, ठीक है. तो क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो ये 0.5 और 7 mm के निब्स हैं इनको ना लें, आप कोई ऐसी पेंसिल लें जिसमें आपको 0.9 से 2 mm लगभग तक का डायमीटर देखने को मिले. जो 2 mm के निब्स आते हैं ये जनरली आपकी जो वुडन पेंसिल की निब होती है ना, सेम थिकनेस के होते हैं. तो जनरली ये वाले जितना आप नीचे जाएंगे, जितना डायमीटर बढ़ाते जाएंगे, उतनी आपकी पेंसिल डार्क होती जाएगी एंड गाइस उतनी उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, तो उतनी पेंसिल स्ट्रांग हो जाएगी बेसिकली, है ना. अब बात करें अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, है ना, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं स्केचिंग वगैरह के लिए देख रहे हैं, तो गाइस फिर ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है. उसमें फिर आपको 0.5 से नीचे 0.3 mm तक के भी निब देखने को मिल जाते हैं. तो स्केचिंग का पर्पज़ काफ़ी डिफरेंट है. जैसे मैंने आपको बताया, ये वीडियो स्केचिंग पे फोकस नहीं है, ये है जनरल नोट टेकिंग पे फोकस, है ना गाइस. तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा जनरली 0.7 से लेकर 0.9 अगर आपको 9 मिलता है, 2 mm 1 mm मिलता है, तो उसको आप प्रेफर करें गाइस, है ना. तो अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो डिफरेंट पेंसिल्स अवेलेबल हैं अलग अलग प्राइस रेंज में, 5, 10, 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 60 रुपीज़ तक, कौन सा कैटेगरी में कौन सा पेंसिल आपके लिए बेस्ट रहेगा. ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास पेंसिल्स आ चुके हैं, है ना, एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेसिकली हर प्राइस रेंज में आपके लिए कौन सी पेंसिल बेस्ट रहेगी. तो गाइस यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ हमारे पास कौन कौन सी पेंसिल्स अवेलेबल हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास हॉर्जर की पेंसिल्स अवेलेबल हैं,
देन डॉम्स है, देन सेलो सुप्रीम, कैमलिन की क्लिक, कैमलिन की क्लिक प्रो, फ्लेयर का क्लिक्स करके ब्रांड आता है ना, देन वी है सेलो की आर्क, यहाँ पे हमारे पास यूनिबॉल की शाकुला एस करके जो पेंसिल आती है जो बहुत ही फेमस है, देन यहाँ पे यूनिबॉल की क्लिफ्टर है, फेबर कासल के हमारे पास काफ़ी सारे पेंसिल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोस्टार करके एक आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एंड गाइस एक नटराज की हमारे पास पेंसिल अवेलेबल है जिसका नाम है नटराज स्ट्राइप्स करके, तो नॉर्मल नटराज जैसी दिखती है, तो ये सारे पेंसिल्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं गाइस। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कौन सी बेस्ट पेंसिल है, स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी कैटेगरी से, बेस्ट पेंसिल इन 10 रुपीज से गाइस। तो गाइस यहाँ पे जो 10 रुपीज़ में हमारे पास पेंसिल अवेलेबल है ना, मैं आपको बता देता हूँ मेन चीज़ें क्या है, यहाँ पे कुछ हॉजर के पेंसिल्स हैं, देन वी हैव कैमलिन डॉम्स, ठीक है, एंड यहाँ पे फ्लेयर का क्लिक्स करके एक ब्रांड है, तो ये पेंसिल्स आपको 10 रुपीज़ में देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस ये अकेला एक पेंसिल है नटराज का जो 5 रुपीज़ में आता है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। तो बेसिकली अंडर 10 रुपीज़ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मेरा जो यहाँ पे फेवरेट पेंसिल मुझे लगा गाइस दैट इज़ फ्लेयर का क्लिक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ फ्लेयर का क्लिक्स पेंसिल है ना, कुछ इस टाइप से दिखता है, बहुत ही अच्छा विल क्वालिटी इसकी बहुत प्यारी है, यहाँ पे एक रबर ग्रिप आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म है निम निकालने का वो भी इट इज़ ग्रेट है ना, काफ़ी अच्छे से उसकी निम निकलती है, ठीक है। और गाइस इसमें जो वेरिएंट्स आते हैं, इसमें 3 वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे हमारे पास क्लिक्स के, दैट इज़ 0.5 mm, देन गाइस हमारे पास आता है एक 0.7 mm भी इसका, एंड हमारे पास एक आता है गाइस इसका 0.9 mm, ठीक है। अब इस पेंसिल में क्या है गाइस, ये तीनों जो पेंसिल, तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो ये पेंसिल 0.9 mm आप लेंगे तो डार्क होती जाएगी, तो मैं पर्सनली आपको कौन सा रिकमेंड करूँगा गाइस यहाँ पे, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इसका 0.9 mm वाला वर्जन, ठीक है। बॉडी इनका सेम है, बस इसका निप साइज ज़्यादा बड़ा है, बट इस पेंसिल में एक ड्रॉबैक है कि ये बस आपको पेंसिल मिलती है, मतलब आपको इसके साथ लीड्स नहीं आते, अगर आपको लीड परचेस करना है गाइस इसके, तो इस टाइप के कुछ इसके लीड्स आपको मार्केट में अलग से लेने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे फ्लेयर का एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग ये जो लीड्स आते हैं है ना, इनका जो प्राइस है वो 5 रुपये आपको एक लीड बॉक्स पड़ेगा, इनके अंदर गाइस जो लीड्स आते हैं वो 10 लीड्स आपको यहाँ पे निकलते हैं, मैं दिखा देता हूँ, तो ये कुछ इस टाइप के आप देख सकते हैं गाइज, ये लीड यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं। ये वाले जो लीड्स हैं गाइज आपको याद होगा हमने फ्लेयर के किट्स की अनबॉक्सिंग की थी, तो उसमें मुझे ये मिले थे, ठीक है, बाकी आप इनको मार्केट से परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे लगा फ्लेयर का जो मैकेनिकल पेंसिल है, उसके बाद गाइज अगर मैं और आपको बताऊँ, अगर ये आपको अवेलेबल नहीं है देन यू कैन गो फॉर गाइज सेलो का सुप्रीम करके यहाँ पे एक आता है ना पेंसिल, तो ये भी काफ़ी बढ़िया पेंसिल है गाइज, सेलो का सुप्रीम है ना, बिल्ड क्वालिटी इसकी फ्लेयर जैसी ही है, ठीक है गाइस, तो बढ़िया पेंसिल है, लेकिन अगेन इसमें आपको लीड्स देखने को नहीं मिलते, बट अगर आप एक ऐसा पेंसिल चाहते हैं जिसमें आपको 10 रुपीज़ में लीड्स भी मिले, तो गाइस ये डॉम्स का यहाँ पे हमारे पास एक पेंसिल आता है विच इज़ डॉम्स की तरफ से, इसका कोई नाम नहीं, डॉम्स मैकेनिकल पेंसिल 0.7 mm, तो ये भी काफ़ी अच्छा पेंसिल है, मैं इसको अनबॉक्स करके एक बार आपको और दिखा देता हूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें एक रबराइज ग्रिप आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का एक पेंसिल मिलता है, और ऊपर ये सेक्शन है रबर है यहाँ पे, इसको आप ऐसा प्रेस करेंगे तो ये पेंसिल ऐसे निकल के आ जाती है ना, इसका साउंड सुन सकते हैं आप। तो गाइज ये एकमात्र ऐसी पेंसिल है 10 रुपीज़ में जिसमें आपको लीड्स भी साथ में फ्री देखने को मिलते हैं, तो अगर आपको फ्लेयर और सुप्रीम नहीं मिल पाते हैं या अगर आप लीड्स के साथ चाहते हैं 10 रुपये में, देन यू कैन गो फॉर डॉम्स गाइज। यहाँ पे कुछ हॉजर के पेंसिल भी हमारे पास अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ 10 रुपीज़ में, हॉजर की फिएस्टा एंड गाइस हॉजर की चेकर्स करके, ये दो पेंसिल्स भी हमारे पास यहाँ पे आते हैं, ये काफ़ी बढ़िया पेंसिल है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो काफ़ी पतले से पेंसिल्स होते हैं गाइस, यानी काफ़ी थिन से पेंसिल हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बट मुझे पर्सनली ओवरऑल इस कैटेगरी में विनर लगा गाइस अपना फ्लेयर का क्लिक्स करके जो पेंसिल आता है ना गाइस, फ्लेयर का क्लिक्स, ओके क्लिक्स बोल्ड। एक और पेंसिल जो 10 रुपीज़ में बहुत अच्छी पेंसिल है गाइस, दैट इज़ कैमलिन का क्लिक है ना, ये जो कैमलिन की क्लिक पेंसिल है इट इज़ ऑल्सो ग्रेट गाइस, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, बट इसमें आपको लीड्स देखने को नहीं मिलते हैं, बिल्ड क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है। तो बेसिकली ये हो गई 10 रुपये वाली बात, अगर बात करें 5 रुपये की गई, तो 5 रुपये में हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक ही पेंसिल आ पाई, दैट वॉज ये नटराज की स्ट्राइप्स गाइस, तो ये नटराज की स्ट्राइप्स मैकेनिकल पेंसिल है ना, ये जनरली आपने देख रखा है कि जैसे नटराज के पेंसिल आते हैं 6-1, तो वो सेम ही दिखती है वैसे है ना, तो नटराज ने सेम ही लुक रखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारी 5 रुपये में एक ही पेंसिल अवेलेबल है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं गाइस अगली कैटेगरी में, दैट इज़ बेस्ट मैकेनिकल पेंसिल्स इन 20 रुपीज़ गाइस। तो गाइस 20 रुपीज़ में हमको कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं है ना, 20 रुपीज़ में जो बेस्ट पेंसिल मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ वो इनमें से है सेलो की सुप्रीम अलीट है ना, देन वी आर फेवर कासल, देन यहाँ पे सेलो का हमारे पास आर्क करके एक ब्रांड है, देन यहाँ पे कैमलिन के पेंसिल्स हमारे पास अवेलेबल है।
तो गाइज इन सब में जो मुझे बेस्ट पर्सनली लगी वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस 20 रुपीज़ के अंदर। यहाँ पे फेवर कासल की एक सॉफ्ट ग्रिप करके पेंसिल आती है, तो ये जो पेंसिल है ये काफ़ी बढ़िया पेंसिल मुझको लगी है ना। इससे आप लिखते हैं तो इसका ये पर्पल कलर का लुक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि इसके अंदर ना आपको लीड्स भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आपके पास लीड्स भी अवेलेबल हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है, 0.7 mm की लीड्स आते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आपको एक बहुत ही प्यारी सी रबर ग्रिप देखने को मिलती है, तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बड़ा ही सॉफ्ट इसका मैकेनिज्म है, इसको धीरे धीरे क्लिक करके आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी पेंसिल है। अगर आपको ये स्टॉक में नहीं मिलती है गाइस तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है गाइस कैमलिन की क्लिक और क्लिक प्रो, तो ये कैमलिन का क्लिक और क्लिक प्रो ब्रांड आता है। तो जो नॉर्मल की कैमलिन क्लिक थी एक और पेंसिल आपको मिल जाती है जो 10 रुपीज़ में भी आती है गाइस, बट इसमें स्पेशल क्या है क्लिक प्रो में आपको साथ साथ में डिज़ाइन थोड़ा सा अलग मिलता है और यहाँ पे आपको एक लीड फ्री मिलती है ना, एक लीड फ्री मिलती है जिसमें आपको 5 लीड्स है ना, मैं वो चेक कर लेता हूँ कितनी लीड्स है इसमें। हाँ लगभग इसमें गाइस 5 लीड्स आपको फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। तो 0.5, 0.7 and 0.9 mm वर्जन है। तो अगेन आई वुड से कि आप कैमलिन का अगर क्लिक लेते हैं तो आप इसमें 0.9 mm वाला वर्जन ही लें गाइस। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी है। तो ये कुछ ऐसी दिखती है गाइस पेंसिल, ठीक है, येलो कलर का शेड है ना। ये ऊपर से इसको आप ऐसा करेंगे तो ये साउंड करती है ना, ऐसा निकल आती है, एंड देन आपको यहाँ पे लीड देखने को मिल जाती है। कितनी लीड्स है गाइस इसमें आपको क्लिक प्रो जो आपको मिलती है गाइस, इसमें आपको 5 नहीं, इसमें आपको सिर्फ 3 ही लीड्स देखने को मिलती हैं गाइस, है ना। तो ये 9.9 mm वाली में आपको बस 3 ही लीड्स देखने को मिलती हैं, बाकी सब में लीड्स ज़्यादा हैं, ठीक है गाइस। तो ये हो गई हमारी 20 रुपीज़ की कैटेगरी। इसमें एक और पेंसिल मुझे जो अच्छी लगी थी वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट वॉज सुप्रीम अलीट। एंड गाइज यहाँ पे हमारे पास है सेलो की तरफ से 0.9 mm में एक सेलो की आर्क मैकेनिकल पेंसिल। अब गाइज एडवांटेज यहाँ ये है कि इन दोनों में आपको लीड्स देखने को मिल जाती हैं, एंड गाइज दोनों बढ़िया पेंसिल है, बट मुझे पर्सनली सुप्रीम अलीट जो पेंसिल है वो थोड़ी सी ज़्यादा पसंद आई गाइज यहाँ पे। तो ये मैंने आपको बताया गाइज कि कौन सी पेंसिल आपके लिए बेस्ट रहेगी। यहाँ पे जनरली मैंने मार्केट में देखा है कि कैमलिन की क्लिक प्रो बहुत इजीली अवेलेबल होती है, तो आप इसको 0.9 mm में बस लीजिए, है ना। जितना मोटा पेंसिल आएगा उतना बेस्ट है आपके लिए नॉर्मल लिखने के लिए गाइस, है ना। और जो प्यारी पेंसिल सबसे मुझे लगी दैट वॉज फेवर कासल की सॉफ्ट ग्रिप, तो काफ़ी अच्छी पेंसिल थी। बढ़ते हैं गाइस हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे। अब जो हमारी कैटेगरी है उसको हमने सीधा 35 to 60 rupees ले लिया है गाइस, है ना। तो अब हम देखते हैं बेस्ट पेंसिल्स इन 35 to 60 rupees प्राइस ब्रैकेट। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास पेंसिल्स आ चुकी हैं फ्रॉम 35 रुपीज़, है ना, और फ्रॉम 30 रुपीज़ टू गाइस 60 रुपीज़, है ना। तो 30 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में हमारे पास यहाँ पे पेंसिल है। सवाल उठता है इनमें से बेस्ट पेंसिल कौन सी है गाइस, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल इन सब की कुछ ना कुछ खासियत है इन सभी पेंसिल्स की, तो गाइस चालू कर लेते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले 30 रुपीज़ में, और मुझे जो बेसिकली ओवरऑल विनर लगती है, जो मतलब अगर आप एक ऐसी पेंसिल बोलें जो मतलब बैंग फॉर द बक वाली चीज़ है, बेसिकली बहुत कुछ दे रही है आपको उस प्राइस में, देन गाइज दिस इज़ द पेंसिल, दिस इज़ कैमलिन एग्जाम पेंसिल, और 2 mm वाला ये वर्जन है गाइज हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे पेंसिल निकलती है। तो ये जो पेंसिल है गाइज काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना। ये ग्रीन कलर हो सकता है आपको इतना पसंद ना आए, बाकी इसकी काफ़ी ये आप देख सकते हैं मजबूत क्वालिटी है, ठीक है। क्लिप आप देखिए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टडी आपको फील आ रहा होगा कितना कड़क है ना। एंड गाइस इस पेंसिल की स्पेशलिटी क्या होती है कि इसमें जो निब आता है ना ये 2 mm का है। अब 2 mm का निब जो होता है गाइस वो जनरली आपकी जो वुडन पेंसिल्स होती हैं उसके जैसा ही निब होता है, तो इसको लिखने में ना आपको बिल्कुल ऐसा फील आता है कि नॉर्मल आप एक वुडन पेंसिल ही यूज़ कर रहे हैं। तो वुडन पेंसिल के जो सबसे क्लोज एक्सपीरियंस आपको देगा गाइस दैट इज़ दिस पेंसिल, है ना। और इसमें एक और स्पेशल चीज़ है गाइस जो आपको मिल जाती है, यहाँ पर अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे गाइस इरेजर तो आपको देखने को मिलता ही है, साथ में एक शार्पनर आपको मिलता है। तो उससे क्या होता है जैसे ही आप इसको निकालेंगे तो क्योंकि इसकी नेम बड़ी है तो ये ना ब्लंट हो जाती है, घिस जाती है, तो आप इसको इसमें रख के ऐसा गोल गोल घुमाएंगे तो आप इसको शार्प कर सकते हैं वापस से गाइस, है ना। तो शार्पनर भी अंदर ही आता है। इसमें लीड्स कितनी आती हैं गाइस ये मैं आपको बता देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको 3 यहाँ पे लीड्स मिल जाती हैं जो कि ऑलरेडी प्री शार्पनर है ना, ऑलरेडी शार्प करी हुई है गाइस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ लीड देखने को मिल जाती है।
तो गाइज ये वाली जो पेंसिल है ये मेरी पर्सनली इन 30 रुपीज़ अगर मैं बात करूँ तो 30 रुपीज़ में दिस इज़ द बेस्ट मैकेनिकल पेंसिल गाइज। तो आप ये कैमलिन एग्जाम बिल्कुल मतलब अगर मुझसे कोई बोलता 30 रुपीज़ का मेरा बजट होता एंड मुझे सबसे क्लोज एक्सपीरियंस चाहिए होता तो मैं यही पेंसिल लूँगा गाइज, ठीक है। तो ये हो गया, इसका एक और मॉडल आता है विच इज़ कैमलिन सुप्रीम, है ना, कैमलिन का सुप्रीम यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें बस एडवांटेज ये है कि ये 4B लीड आपको बोलता है, इसकी जो लीड है वो थोड़ी और डार्क है, ये है तो 2mm की बट ये 4B लीड है, ठीक है, थोड़ी सी और डार्क होती है बट मैंने इससे लिख के देखा गाइस तो मुझे ऐसा दोनों में अंतर नहीं लगा, है ना। और यहाँ पे ये वाले इसके अंदर आपको मिल जाते हैं गाइस 40 रुपीज़ का प्राइस देखने को, ये जो आपको पड़ती है 40 रुपीज़ में पड़ती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि 30 रुपीज़ में ये लेना ज़्यादा एक बेटर है, आप यहाँ पर 10 रुपये इसके ऊपर सेव कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम के साथ जा सकते हैं गाइस, ठीक है। और देख लेते हैं गाइस यहाँ पे अगली हमारे पास कौन सी पेंसिल आती है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाते हैं 40 रुपीज़। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छी पेंसिल्स आने लग गई हैं, है ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छी पेंसिल्स हमको देखने को मिलती हैं। तो गाइस यहाँ पे है फेबर कासल की प्रोस्टार, नोवा की यहाँ पे हमारे पास एक मैकेनिकल पेंसिल है नोवा ऑटोमेटिक, देन गाइस हमारे पास है फेबर कासल की ग्रिप टेक्स, देन है हमारे पास यूनिबॉल की क्लिफ्टर, एंड गाइस यूनिबॉल की सबसे जो महंगी पेंसिल है यूनी की शाकुला एस, है ना। तो ये दो वेरिएंट में 0.5 एंड 0.7 mm में गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी पेंसिल कौन सी है, हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं गाइस। तो अगर आपको मैं बताऊँ कि अगर आपको बेसिकली बेस्ट टू बेस्ट पेंसिल चाहिए, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आप सोच रहे हैं बहुत प्यारी पेंसिल लिखने में लगे, तो गाइस यू कैन गो विथ द यूनिबॉल क्लिफ्टर गाइस। इससे प्यारी मैकेनिकल पेंसिल इस बजट में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं गाइस। तो ये जो आप पेंसिल देख रहे हैं ये काफ़ी प्रीमियम लगती है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कितना इसका प्रीमियम सा क्यूट लुक है। ये ऑरेंज कलर में है और काफ़ी सारे अच्छे कलर्स में आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे नीचे आपको इसका एक सेक्शन देखने को मिलता है, इसकी जो ग्रिप है बहुत ही प्यारी ग्रिप है, पकड़ने में बहुत ही अच्छी है, है ना। ऊपर आपको रबराइज्ड बेसिकली कैप दिखेगा, उसके अंदर रबर है, मैंने खींचा था बट ये मुझसे खोला नहीं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो इसमें आपको बस ऊपर से इसको प्रेस करना होता है, एंड गाइस इससे आप लिख के देख सकते हैं। तो ये वाली जो पेंसिल आती है क्लिफ्टर आपको 0.5 mm में देखने को मिलती है गाइस, एंड डेफिनेटली गाइस ये बहुत ही प्रीमियम लगती है एंड लिखने में भी काफ़ी अच्छी पेंसिल है गाइस। तो अगर मेरा पर्सनल चॉइस पूछें तो दिस इज़ अ ग्रेट पेंसिल इन 50 रुपीज़। एक और ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको दे सकता हूँ गाइस 50 रुपीज़ में ही, दैट इज़ गाइस फेबर कासल की ग्रिप टेक्स। अब ये जो पेंसिल है ये भी इक्वली गुड है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये हम खोल लेते हैं गाइस, इसको भी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी प्रीमियम पेंसिल लगती है, ग्रिप इसमें भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी पेंसिल है, ठीक है। बट मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों क्लिफ्टर का ये जो लुक है ये बहुत ही मॉडर्नाइज लगा, बट अगर आपको लीड क्वालिटी अच्छी चाहिए, अगर आपको एक ऐसी पेंसिल चाहिए जिसमें लीड क्वालिटी काफ़ी बेटर हो, चलने में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हो, तो गाइस फिर आप ना इसको छोड़ के, इसको ड्रॉप करके आप फेबर कासल की ग्रिप टेक्स के साथ भी जा सकते हैं। इसकी लीड क्वालिटी मुझे यूनिबॉल से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी, मतलब बिल्कुल ना क्या बोलूँ 1920 का फर्क मान लो, 1920 भी नहीं है, 1920 है ना। तो बहुत ही प्यारी ये पेंसिल लगी। इसके बाद गाइस और भी हमारे पास कुछ पेंसिल है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको एक राउंड पेंसिल नहीं चाहिए एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रायंगुलर ग्रिप, तो गाइस आपके पास कैमलिन नोवा से बेटर कोई और ऑप्शन नहीं है। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें आपको लीड भी आती है साथ में, एंड पेंसिल बहुत ही प्रीमियम है गाइस। यहाँ पे मैं आपको उसको दिखाता हूँ पेंसिल को, तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पेंसिल है, ये देखिए गाइस। यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो इसका जो पेस्टल कलर है बहुत ही प्यारा सा कलर है, मतलब यार सच में बहुत ही रिच फील कराती है ये पेंसिल, ठीक है। और ऊपर से आप इसको दबाएंगे तो नीचे से निकल के आ जाती है, तो काफ़ी प्रीमियम पेंसिल मुझे लगी, है ना। 0.7 mm इसका लीड साइज है, स्ट्रॉन्ग भी है, चलती भी बहुत अच्छी है, एंड गाइस 40 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो ये जो है हमारी यूनिबॉल से 50 रुपीज़ की जो पेंसिल है उससे 10 रुपये एक तो सस्ती आती है, एंड इसके साथ आपको ना गाइस लीड्स भी इन बॉक्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें लीड्स कितने आते हैं मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये देखिए इसमें आपको कुछ 5 लीड्स देखने को गाइस मिल जाते हैं, ठीक है। तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे ये जो नोवा है ये 40 रुपीज़ में बहुत ही प्यारा ऑप्शन हो जाता है, आपको लीड्स भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। एंड गाइस यहाँ पे अगर इन दोनों की बात करूँ तो यूनिबॉल में आपको यहाँ पे लीड देखने को नहीं मिलते, आपको लीड्स अलग से लेना पड़ेंगे, एंड गाइस यहाँ पे ग्रिप टेक्स में भी आपको 50 रुपये के अंदर लीड देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं गाइस, सेवा गाइस के लिए, ठीक है। एट लास्ट गाइस मैं दो पेंसिल्स के बारे में आपको और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज़ यहाँ पे हमारे पास दो पेंसिल्स अवेलेबल हैं, ये हैं गाइज़ यूनिबॉल की शाकुला एस
0.5 mm में एंड 0.7 mm में। गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पेंसिल्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपको पिंक वाली दिखाता हूँ तो इसमें क्या एक बहुत यूनिक चीज़ है, बाकी सारी पेंसिल्स में ना गाइस आपको ऐसे ऊपर से दबाना पड़ता है, बट इसमें ऊपर से नहीं दबाना, इसमें ना आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्लिकिंग बटन दिया हुआ है, ये देखिए आप इसको दबाएंगे तो यहाँ से पेंसिल निकलती है। और बाकी इसकी जो पूरी बॉडी है ये रबराइज्ड है ना गाइस, तो जैसे ही अगर आप इससे लिखते हैं तो बस आपको यहाँ से इसको दबाते जाना है ना, एंड गाइस आपकी निब ऑटोमेटिक बाहर निकलती जाएगी। अब ये एडवांटेज भी है और ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ये आपके हाथ में ग्रिप बनाने में अड़ सकती है। बाकी गाइस अगर आप एडजस्ट कर पाते हैं तो ये ना जल्दी से आप बस यहीं से दबा के ना इसको लिख सकते हैं, आपको यहाँ तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक और जो इस पेंसिल का एडवांटेज है गाइस वो ये है कि बाकी पेंसिल्स में आप लीड स्टोर नहीं कर सकते, बट इसमें आपको गाइस ये ऊपर का सेक्शन खोलना होता है, ऊपर का ये रबर आपको निकालना होता है, एंड देन गाइस आपकी ये जो निब है यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा लीड देखने को मिल जाती है। गाइस यहाँ पर आप इसकी लीड्स भी स्टोर कर सकते हैं। इस पेंसिल के साथ लीड बॉक्स नहीं आता है, बट एक निब एक लीड इसके अंदर एक लीड डली हुई आती है इसकी शार्ट में, एंड एक लीड गाइस आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है इसमें। तो यूनिबॉल की ये जो पेंसिल आती है गाइस ये आपको पड़ जाती है फॉर 60 rupees गाइस। तो अब सवाल उठता है कि प्रीमियम कैटेगरी में बेस्ट पेंसिल मुझे कौन सी लगी गाइस, तो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा कि 40 rupees अगर आपको ट्रायंगुलर ग्रुप चाहिए एंड गाइस बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी विथ लीड्स चाहिए, देन गाइस कैमलिन की नोवा इज़ अ मस्ट गो ऑप्शन। ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे, ठीक है। एंड गाइस अगर आप 50-60 rupees में अगर आपको एकदम अल्टीमेट पेंसिल चाहिए, एकदम प्रीमियम चीज़ चाहिए आपको, तो गाइस यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, यूनी शाकुला एंड गाइस यूनी बॉल की क्लिफ्टर 0.5। तो गाइस इन दोनों पेंसिल्स में से डिपेंडिंग आपको कौन सी पसंद आती है, अगर आपको ऊपर से क्लिक करने वाली चाहिए तो गाइस आप ये ले सकते हैं, अगर आपको साइड वाला मैकेनिज्म पसंद आया तो ये ले सकते हैं। मैं कौन सी लेता गाइस, तो मुझे पर्सनली इसका जो लुक है ना ये एक तरफा लुक लगाया गाइस, बहुत ही प्यारा लुक लगा है ना। एंड 0.5-0.7 में शाकुला कौन सी लेनी चाहिए गाइस, तो मैं कहूँगा मुझे ना इन दोनों में ज़्यादा सच फ़र्क नहीं लगा था, जो 0.7 है वो थोड़ी सी ना मुझे गाइस सॉफ्ट लगी है ना, और 0.5 थी जैसे हमारी पेंसिल शार्प होती है ना गाइस तो कैसी एकदम पॉइंटेड चलती है गाइस, तो ये जो 0.5 mm वाली लगी वो थोड़ी सी शार्प है, एंड 0.7 mm वाली थोड़ी सी सॉफ्ट लगी। तो आपको एक बार आप चला के देख सकते हैं, एंड आपको जो पसंद आए आप वो वाली पेंसिल ले सकते हैं गाइस। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमको बताएं, साथ ही साथ हम मुझको ये भी बताएं गाइस कि आपकी फेवरेट मैकेनिकल पेंसिल कौन सी है। एंड गाइस काफ़ी सारी पेंसिल हमें पता है हम लोग अभी नहीं कंपेयर कर पाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन सी पेंसिल आप इसके पार्ट 2 में देखना चाहते हैं। मैं सारे ही कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, लाइक करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, एंड गाइस आई विल मेक श्योर कि जो भी पेंसिल आप लिखेंगे ना वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके ज़रूर आए। साथ ही साथ गाइस इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोग आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ना आपको एक स्नीक पिक मिल जाता है हमारा वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव आने से पहले, आप देख सकते हैं और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, हम कैसे पेंस ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो काफ़ी सारा डेटा जो हम यूट्यूब पे नहीं डालते हैं वो हमारा इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलता है। आईडी है गाइस स्टूडेंट यार, सर्च करते हैं कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। साथ ही साथ गाइस आप जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो प्यार हमें दे रहे हैं गाइस, मैं क्या बताऊँ मैं कितना खुश हूँ, मैंने सोचा नहीं था इतने सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे गाइस, कीप सब्सक्राइबिंग है ना। एंड गाइस मैं यहाँ पे आपको वादा करता हूँ कि इसी तरह काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी एंड गाइस प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते रहेंगे गाइस, तो सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट यार्ड को। एंड गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।